Hey beautiful people, good morning. कैसे हैं आप लोग? दिस इज अभिषेक सिंह एंड यू आर वॉचिंग एवीज वर्ल्ड. तो आज संडे है, तो संडे आप लोगों को पता है कि संडे फंडे होता है. तो आज हमने और हमारी मैडम ने कहीं पे जा करके रापचिक चाय पीने का फैसला किया है और थोड़ा सा लंच वंच करेंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक होगा और ऑफकोर्स राइडिंग तो होगा ही, बाइक राइडिंग तो होगा ही. तो गाइस, बहुत दिनों से राइडिंग का वीडियोज़ नहीं आ रहा था बहुत दिनों से, तो सोचा कि चलो चलते हैं, आज संडे को थोड़ा सा फंडे बनाते हैं और फिर उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, है ना. लॉन्ग राइड होगा बाद में, ठीक है ना. सबर करो थोड़ा सा, बुरा ना धक्का मुक्की नहीं करने का, सबर करो गाइस. चलो फिलहाल चलते हैं और चल के राइडिंग का मजा लेते हैं और कहीं पे जाके चाय का चुस्की लेंगे और फिर लंच. ओके लेट्स गो. हे पीपल, वापस आ गया हूँ आप लोग के सामने में. आप लोग के सामने में नहीं, मतलब सामने में तो बाइक चल रहा है. तो गाइस चलो चलते हैं, थोड़े से बातें कर लेते हैं. तो पिछला वाला वीडियो को अच्छा, छोटा मोटा फैमिली है मेरा, अभी नया नया स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब फैमिली. तो जितने लोगों ने भी देखा मेरे पिछले वाले वीडियो को, जितने लोगों ने भी जैसे भी रिस्पॉन्स दिया, अच्छा रिस्पॉन्स आया. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना. और हम लोग भी आगे भी ऐसे ही राइड बढ़ाते रहेंगे. हम लोग भी अभी अभी हम लोगों ने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी राइड ऐसे ही आगे बढ़ेगी, ठीक है ना. आस्ते 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 थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते 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 पूरा लॉन्ग में जाएंगे और जितना हो सके उतना आप लोगों को इंटरटेन करने का कोशिश करेंगे गाइज. और प्लस साथ में इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना अच्छा से, जितना हो सके उतना शॉर्टकट्स, जितना हो सके उतना अच्छा से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा. तो गाइज इसके लिए आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है ना. तो सपोर्ट करते रहना भाई लोग, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना भाई लोग. थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, शेयर कर दोगे तो अच्छा है, कुछ और लोग देख लेंगे, मेरे भी कुछ और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, है ना. भला करना चाहिए, है कि नहीं. भलाई जितना करोगे उतना ऊपर वाले से पुण्य मिलेगा आप लोगों को, ठीक है कि नहीं. तो थोड़ा भला कर दो, ठीक है. फिलहाल तो अभी हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, काफ़ी दूर बोले तो मतलब जैसे कि ज़्यादा दूर तो जाना है नहीं, उस हिसाब से घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं. अभी यहाँ से 50 किलोमीटर्स और है, ठीक है, कोलाघाट. तो फिलहाल तो कोलाघाट जा रहा हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा ढाबा है. तो चल के देखेंगे वहाँ पे कि कौन सा ढाबा में क्या करने का, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, तो वहीं पे जाके खाएंगे. और हो सकता है शायद उससे पहले टी ब्रेक ले लें, ठीक है ना. तो गाइज़ बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा. और वीडियो के अंत में कैसा लगे आप लोग को ज़रूर से ज़रूर बताना गाइज़. और अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो जितना हो सके उतना, ठीक है ना. तो चलिए फ़िलहाल आप लोग रास्ते का मज़ा लीजिए, ठीक है ना. ये रास्ता ही तो है जो इतना दिन से बुला रहा था, मतलब घर के गली में उतना चला के मज़ा नहीं आता है जितना लॉन्ग लॉन्ग राइड चलाने में मज़ा आता है. और लॉन्ग राइड जब जाओ तो एक्सप्रेस वे यानी कि हाईवेज, एक्सप्रेस वेज ये सब अगर मिल जाए तो भी फिर तो नज़ारे ही नज़ारे, और क्या बात है ना. तो चलिए चलते हैं, रास्ते का मज़ा लीजिए आप लोग. बड़े बड़े ट्रक लॉरीज के बीच से निकलना है अभी हम लोग को, तो चलो चलते हैं. देख रहे हो भाई लोग, सुबह सुबह का ये जैम है, सुबह का जैम है ये, ऊपर से हाईवे का, समझ रहे हो ना आप लोग. मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, शायद रास्ता गलत हो चुका है, गलत कोई गलत टर्न ले लिया है मैंने, शायद गोल माता कहीं और दिखाने के लिए जाने के लिए बोल रही है. जा कहीं और रहे हैं, वी आर टेकिंग रिस्क. ठीक
और ये ट्रकों के बीच से चीरते हुए एवीज वर्ल्ड की गाड़ी निकल चुकी है। और यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है। यहाँ से शायद हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना आगे से। हाँ भाई लोग, तो भाई लोग बने रहिएगा। ये क्या रास्ता है, कहाँ लेके जा रहा है ये देखने के लिए। ये देखो गूगल दिखा रहा है आगे से लेफ्ट। हे पीपल, तो चलिए आप लोगों को देखिए आज संडे को कितने बाइकर्स खड़े हैं यहाँ पे। ये देखो, ये देखो दिख रहा है, ये देखो कुछ बाइकर्स लोग की मीटिंग हो रही है, सब खड़े हैं। लोग कहीं निकले हैं लॉन्ग राइड पे। तो अभी फ़िलहाल तो अभी भी हम लोगों को रास्ता नहीं मिला है, दिल्ली रोड का रास्ता बंद है, जिसके वजह से ऐसे घूमने पड़ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए रास्ता ढूंढ के आप लोग से मिलता हूँ। फ़िलहाल तो रास्ता ढूँढने में लगे हुए हैं, सामने दिख रहा होगा को भीड़। तो चलिए मिलते हैं ऑन द रोड, लेकिन करेक्ट रोड, है ना। तो चलो फिलहाल के लिए बाय। Hey people, तो बहुत मुश्किल से एक रास्ता बंद होने के वजह से हम लोग कितना घूमना पड़ा भाई लोग, बहुत घूमना पड़ा। और घूमने के बाद फाइनली हम लोगों को कोलाघाट का रास्ता मिल गया एंड हम लोग अब उसी रास्ते पे चल चुके हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं कोलाघाट। यार रास्ता कितना ख़राब था, बीच में रास्ता का काम हो रहा था और मतलब इसके वजह से, दिल्ली रोड बंद होने के वजह से हम लोगों को कितना दूर जाकर के यू टर्न लेना पड़ा था। आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा हाईवे पे यू टर्न लेना बहुत मुश्किल होता है और आप लोगों को देख के यू टर्न लेना पड़ता है ना। तो ऐसा गलती मत करना, जहाँ तहाँ से यू टर्न मत लेना गाइस। कभी भी निकलो तो एक्सप्रेसवे पे बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से चलाना और आस्ते से चलाना। कोई स्पीड ओवर स्पीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। देर पहुंचो सो अच्छा है, लेकिन जान न गंवाना पड़े, क्योंकि गाइस हमेशा दिमाग में ये बात रखना कि घर पे कोई आपका वेट कर रहा है ना। तो फिलहाल चलते हैं रास्ते में। सो बहुत घूमना पड़ गया है, बहुत लॉन्ग घूमना पड़ गया है, बहुत सारा, बहुत लगभग शायद 3-4 किलोमीटर आगे जाकर के यू टर्न मिला और फिर शायद वहाँ से घूम के आना पड़ा। तो फिलहाल सोच रहा हूँ कि कहीं पे थोड़ा सा रुक जाऊँ और थोड़ा चाय पी लूँ, ठीक है ना। चाय की चुस्की तो मॉर्निंग की बाकी रह गई थी, पी नहीं थी, फिर तो कोलाघाट जाना ही है, ठीक है। छोटा सा सफ़र है यार, तो हड़बड़ी क्यों, जल्दबाजी क्यों, रुकते रुकते चलते हैं थोड़ा सा, है ना। मज़ा लो रास्ते का आप लोग।